आज हम लोग स्टडी करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमको बहुत अलग अलग तरह की मिलती है, डिफरेंट टाइप्स। एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन देम? द डिफरेंस इज द वेवलेंथ, दिस एंड दिस, द फ्रीक्वेंसी is different and the wavelength is different. What is common in them is velocity. Common. Or difference kya hai in me? Different, yes. Frequency and wavelength. Because of this difference, frequency and wavelength difference, their properties are different. Kis tarah ki properties? Penetrate karne ki property, human body ko affect karne ki, uske sense karne ki property. There are some which can sense our skin, there are some which are sensitive to our eyes, and there are some which are dangerous to our skin. So there are many type of properties, penetration properties with different type of frequencies, different type of wavelengths. Similarly, there is a difference of source. For some, we need a natural source only. Some we can create by our man-made sources. Jaise radio wave man-made ban sakta hai, par gamma rays man-made nahi ban sakti. Those are coming from natural. So, there are different type of sources. There are different type of penetrations. Now, there are different type of applications. Har ek ko hum kahan kahan use karenge, according to its property, we find the best use for us and for the nature. And we use it according to that. But the thing is, we find in our nature there are electromagnetic waves of different wavelengths. This wavelength may be very large wavelength, and this wavelength may be very small wavelength. I should say the wavelength start from 10 to the power 7. Wavelength 10 to the power 7 meter वहां से शुरू होगी और छोटी होते 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 लास्ट में हमको गामा रेज मिलती है, दोज आर 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर। इसको भी मत लिखिए, वी विल राइट इट। मतलब इतनी वैरायटी होती है और हर लेंथ की वेवलेंथ, हर डायमेंशन की वेवलेंथ नेचर में है, गैप नहीं है, कंटिन्यूअस। इसी का उल्टा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। एंड व्हाट इज वेलोसिटी? 3 × 10⁸। इफ दिस इज वेलोसिटी, देन दिस डिफरेंट टाइप ऑफ लैम्डा फ्रीक्वेंसी हमको अलग अलग देते। तो नेचर में जो हमको फ्रीक्वेंसी मिलती है, दैट फ्रीक्वेंसी start from 10 to the power 23 and 10 to the power 1 or 10 to the power 0, यहां तक हमको frequencies मिलती है, frequency and this is wavelength। Continuous 10 frequency की wave है, 100 की भी है, 1000 की भी है, 10,000 की भी है, ऐसे अलग अलग तरह की वेव्स प्रेजेंट है। और कभी भी आप देखेंगे, इफ यू मल्टीप्लाई द टू, व्हाट डू वी गेट? 10 टू द पावर 8, ठीक है, ओके। सब की वेलोसिटी सेम रहती है। नाउ ऑल दीज वेव्स आर आल्सो कैटेगराइज्ड विद डिफरेंट नेम्स। क्यों? हमको अलग अलग टाइम पे
अलग अलग फील्ड ऑफ रिसर्च में अलग अलग वेव्स मिली। जब ये डिस्कवर हुई, इन्वेंट हुई, उस समय हमको ये नहीं पता था इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ क्या है। उस समय साइंस के अनुसार हमने उसका नोमेनक्लेचर कर दिया। बाद में जब पता लगा दैट इट्स नेचर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, तो हमने उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फैमिली में शामिल कर दिया, पर उसका नोमेनक्लेचर पहले हो चुका था। जैसे द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच वॉज अफेक्टिंग अवर आईज, सेंसिटाइजिंग अवर आईज, वी यूज टू कॉल इट लाइट, और उसको हमने लाइट के चैप्टर में, लाइट के नॉलेज में पूरा स्टडी किया हुआ था 50 सैकड़ों सालों से। बाद में मैक्सवेल आए, उन्होंने प्रूफ किया दैट लाइट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेलकम, ठीक है, पर उसका नाम क्या है, लाइट, सो लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी तरह से जो साइंटिस्ट न्यूक्लियर फिजिक्स में काम कर रहे थे, दे फाउंड कि एक मटेरियल होता है जिसमें से बड़ी डेंजरस रेडिएशन बाहर निकलता है और वो स्किन को पेनिट्रेट कर जाता है, और किसी भी चीज से हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं, दिखता नहीं है, पेनिट्रेट करके फोटोग्राफिक फिल्म को अंदर में अफेक्ट कर देता है, बहुत डेंजरस था। उसका उन्होंने नाम रख दिया गामा वेव्स और गामा रेज। बाद में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर हुई, देन वी डिस्कवर्ड दैट गामा रेज आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, विद अ डिफरेंट वेवलेंथ, ये विद अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी विद अ वेरी हाई पावर। तो गामा रेज आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसी तरह से हीट की वेव्स, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो रेज हमने बाद में निकाली, रेडियो वेव्स अपने ऑसिलेशन सर्किट से, वो भी क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पर उससे जो हम एप्लीकेशन करते थे दैट वाज रेडियोफोनी, रेडियो चलाते थे उससे, तो उसका नाम क्या रखा, रेडियो वेव्स, पर एक्चुअली वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन दिस वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव ए बिग फैमिली, एंड अकॉर्डिंग टू द सोर्स और अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन देयर नोमेनक्लेचर वॉज डिसाइडेड अर्लियर। पहले ही उसका नाम हमने रख लिया था, बाद में पता लगा कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जब हम नाम रखते हैं तो देखते हैं उसका सोर्स कौन है, हम ये देखते हैं उसका एप्लीकेशन क्या है, अकॉर्डिंगली जो भी नाम पसंद आता है नाम रख लेते हैं। जब ये सब वेव्स हमको पता लग गई तो हमने ना इसको टेबुलेट किया साइंटिफिकली। टेबुलेट मतलब इस तरह से, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबको लाइन से लिखा, एंड दैट गिव्स अस द टोटल नॉलेज ऑफ कंप्लीट स्पेक्ट्रम। द फैमिली ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, सो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, दिस इज व्हाट फैमिली। ये फैमिली कौन है तो देखते हैं, वी विल मेक ए चार्ट ऑफ इट। जिस तरह से आपने केमिस्ट्री में, दूसरे सब्जेक्ट्स में चार्ट पढ़े हैं, चार्ट बनाने से, टेबुलेट करने से हमको याद रखने में आसानी होती है, सो वी विल मेक इट लाइक दैट। सो फर्स्ट वी विल राइट आउट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक विच डिवाइड्स देम, and that is frequency. Okay, these are the properties which are worth knowing. Itni cheeze humko pata honi chahiye, then we will have a fair knowledge of the electromagnetic waves. So first thing, name, the first one we take gamma rays. तो इसको हमने कैटेगराइज इस तरह से किया, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी 10 to the power 20, और सबसे छोटी वेवलेंथ 10 to the power -15, एंड द मोस्ट पावरफुल वेव इज गामा रेज। अच्छा,
एक चीज हमको ये याद रखनी है कि कोई भी रे एक पर्टिकुलर बाउंड्री के ऊपर या नीचे नहीं होती। जो वेव्स हमको नेचर में मिलती हैं वो 10^20 फ्रीक्वेंसी की मिलेंगी, इससे थोड़ी सी कम, इससे थोड़ी सी कम, इससे थोड़ी सी कम, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये सभी वेव्स आ रही हैं। अब इस वेव को गामा कहेंगे और इसको एक्सरा कहेंगे, ऐसे कोई क्लियर कट बाउंड्री लाइन नहीं है। अगर एक वेव यहाँ बीच की है, वी कैन से इट इज अ वेरी माइल्ड टाइप ऑफ गामा रेज और वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एक्सरे। वैसे हम इसको भी कह सकते हैं अल्ट्रा वेव इस फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होती है यहां से लेके यहां तक। तो 10^15 भी अल्ट्रा वेव है, अल्ट्रा वायलेट, 10^14 भी, और 10^16 इज वेरी पावरफुल अल्ट्रा वायलेट रे, इतनी ज्यादा पावरफुल कि वो करीब करीब क्या हो जाती है, एक्सरे। तो इस तरह से हमने देखा कि ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती है। अंदाज से हम उसकी जो मिडिल वैल्यू है उस मिडिल वैल्यू को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं और उसके दोनों तरफ सेम टाइप की वेव फैली हुई होती है। ओके, तो यहां हम क्या क्या चीज स्टडी करते हैं। सबसे पहले सोर्स क्या होता है गामा रेस का। तो गामा रेस का सोर्स होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल जिसमें न्यूक्लियाई अपने आप टूटते रहते, दैट इज डिके ऑफ न्यूक्लियाई, उसमें से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेस तीनों निकलते रहते हैं। वैसे ही जब हम फिजन और फ्यूजन करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इसको पढ़ेंगे, एटम्स को तोड़, न्यूक्लियस को तोड़कर दो न्यूक्लियस बनाना या दो न्यूक्लियस को जोड़ना, दैट इज नोन एज फिजन। तोड़ना दैट इज फ्यूजन, सॉरी फ्यूजन इज फ्यूज करके आपस में जोड़ देना, फिजन इज ब्रेकिंग। उस समय वहां से गामा रेज निकलती है। सिमिलरली व्हेन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन दे स्ट्राइक ईच अदर, दे एनिहिलेट ईच अदर, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, गामा रेज में। दीज आर द सोर्सेस। कहीं गामा रेज हैं या नहीं है इसके लिए हम लोगों ने डिटेक्टर बनाए हुए हैं, एंड दोज डिटेक्टर्स आर गामा रेज फिल्म से भी डिटेक्ट होते हैं और एक जीएम ट्यूब होती है उस ट्यूब से भी डिटेक्ट होते हैं, उससे ये गामा रेज डिटेक्ट होती है। अच्छा, इसके यूज क्या है गामा रेज के, तो हम इसको बहुत तरह से यूज करते हैं। इसके मोस्टली यूजेस मेडिकल है, जैसे एक मेडिसिन में रेडियो एक्टिव मटेरियल मिक्स करके हमारे किसी सिस्टम में डाल दिया जाए, जैसे ब्लड सिस्टम में डाल दिया जाए, तो उसमें लगातार गामा रेज निकलेंगी, फिर उसके ऊपर हम फिल्म रख के या स्क्रीन रख के उसको ट्रेस करते हैं और कहाँ कहाँ ब्लड जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ पर लंप बना हुआ है, ये सब चीजें बॉडी के अंदर की डिटेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से गामा रेज आती हैं जो कि ऊपर फिल्म बनाती जाती। ये नहीं होने से हम लोग बड़े बड़े ऑपरेशन नहीं कर पाते, हार्ट ऑपरेशंस, दूसरे ऑपरेशन सब में हम इसको यूज करते। दूसरा, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है, उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत होती है, तो जो कैंसरस स्किन रहती है अगर उसको जलाना है, डिस्ट्रॉय करना है कैंसरस ग्रोथ को, तो उसके लिए भी वहां पर गामा रेज डालते हैं और उस एरिया को बर्न आउट कर देते हैं, इतनी वो पावरफुल होती है। लेकिन अगर उसका गलत यूज हो जाए तो वो कैंसर पैदा भी कर सकती है हेल्दी स्किन में। तो यूज इसके मेडिकल यूज है, कैंसर की किलिंग के लिए यूज करते हैं, ट्रेसिंग के लिए यूज करते हैं, ब्रेन में डाल दिया, इधर डाल दिया, यहां से गामा रेज निकलती हैं और ऊपर ट्रेसर लगा के हम देख लेते हैं कैसा नक्शा बन रहा है, उससे पता लग जाता है कहां ट्यूमर है। डेंजर क्या है इसके, ये सेल डिस्ट्रक्शन कर देती है और सेल का म्यूटेशन कर देती है। तो अगर कहीं पे गामा रेज से किसी ह्यूमन बॉडी को, हेल्दी ह्यूमन बॉडी को एक्सपोजर हो जाए तो उसके अंदर सेल्स का म्यूटेशन हो जाएगा, जीन्स उसके चेंज हो जाएंगे, उसमें म्यूटेशन हो जाएगा और वो आदमी मर भी सकता है,
क्योंकि उसके सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा बेसिकली, और जो एटम बॉम्ब चलते हैं उसमें ज्यादातर डेथ गामा रेज के कारण ही होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें गामा रेज फ्यूजन में गामा रेज निकलती हैं और उससे सेल डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं और आदमी की कई नस्लें खराब हो जाती हैं क्योंकि उनके जीन्स खराब हो जाते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी डेंजरस, सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा डेंजरस गामा, उससे थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी और इससे बड़ी वेवलेंथ, इससे बड़ी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, दैट इज एक्स रेस। एक्स रेस किस तरह से बनाते हैं, ये तो किससे था, रेडियो एक्टिव मटेरियल से हमको मिलती है फ्यूजन में। एक्सरे के लिए हमने ये तरीका देखा कि अगर बड़ी स्पीड से बड़ी एनर्जी से हम इलेक्ट्रॉन को भेजें, हाई वेलोसिटी मींस हाई एनर्जी, और एक हैवी मेटल पे जाके ये टकरा जाए, तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है ये तो जाकर रुक जाएगा उसमें, उसका कुछ पार्ट हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स आर एक्सरेज। तो किससे बनती है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप बाय हैवी मेटल, दैट प्रोड्यूसेस एक्सरे, ये इसका सोर्स होता है। और हमको पता कैसे लगता है कि एक्सरे आ रही है, उसके सामने एक्सरे फिल्म रखते हैं, एक्सरे फिल्म एवरीबॉडी नोज, जब भी बोन टूटती है तो हम लोग एक तरफ से एक्सरेज डालते हैं, दूसरी तरफ फिल्म रखते हैं, उसकी पिक्चर लेते हैं, और वही इसका एप्लीकेशन है। तो एक्सरे सोर्स क्या है इसका, रिटार्डेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, रिटार्डेशन मींस रोक देना। और इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, फिल्म से, एक्सरे फिल्म से उसकी फोटो आ जाएगी जहां जहां पर वो एक्सपोज करेगी। और इसको यूज कहां करेंगे, डिफेक्ट इन दी बोन, बोन में इसको हम क्रैक्स होते हैं वो पता लगाते हैं, प्लस मेटल में क्रैक्स होते हैं, मेटल वेल्डिंग एंड अदर इंडस्ट्रियल यूजेस, जहां पर कि अंदर में मेटल ठीक से वेल्ड नहीं हुआ, बाहर से दिख रहा वेल्ड हो गया, मेटल के अंदर क्रैक्स रह गए, तो एक्सरे डाल के उसको देख लेते हैं, वो क्रैक्स उसमें दिख जाते हैं। सो देयर इज यूज ऑफ एक्सरे एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स पेनिट्रेशन पावर। जितनी सॉफ्ट स्किन में हमको पेनिट्रेट करना है, हार्ड मेटल में पेनिट्रेट करना है, कितने डीप तक पेनिट्रेट करना है, वो हम यहां से कंट्रोल करते हैं। जितना वेव को छोटा करते जाएंगे, लेंथ को छोटा, दैट मींस फ्रीक्वेंसी को ज्यादा, उतनी उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती जाएगी, और जैसा यूज होता है, एप्लीकेशन होता है, अकॉर्डिंगली हम उसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं। ये एक्सरे। अगली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इससे कम फ्रीक्वेंसी की, दैट इज अल्ट्रावायलेट वेव। लाइट रेड से वायलेट होती है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 14, 16, 15 के आसपास होती है, दिस इज द वेवलेंथ। अब लाइट का जितना रेज है ये सब एक्साइटेशन ऑफ एटम से होता है, एटम को एक्साइट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, वो इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं, लाइट निकलती है। तो ये अल्ट्रावायलेट का भी प्रिंसिपल है, लाइट का भी प्रिंसिपल है, इंफ्रारेड लाइट का भी यही प्रिंसिपल है। तीनों में हम क्या यूज करेंगे, एक्साइटेशन ऑफ एटम, और स्पार्किंग करते हैं, ट्यूबलाइट, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, इसमें गैस को डिस्चार्ज करते हैं, कहीं स्पार्क करते हैं, एक्साइटेशन गर्म कर करके इतना ज्यादा एक्साइट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को कि वो ऑसिलेट होके लाइट निकालते, दैट इज एक्साइटेशन। इस तरह से एग्जांपल क्या हुए एक्साइटेशन का, बल्ब लाइट का, ट्यूबलाइट, दैट इज दीज आर गैस डिस्चार्ज लैंप्स। तो ये जो हमारे लैंप्स होते हैं वो होते हैं, एलईडीज होते हैं, दीज आर ऑल दी सोर्सेज ऑफ, सॉरी, अल्ट्रावायलेट में एक्साइटेशन ऑफ एटम एंड स्पार्किंग इन दी डिस्चार्ज ट्यूब, पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो इसके स्पेशल लैंप आते हैं, अल्ट्रावायलेट लैंप्स। उस अल्ट्रावायलेट लैंप में
जो लाइट निकलती है एक्साइट होके उसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी लाइट से ज्यादा होती है. कितनी फ्रीक्वेंसी होती है इसकी? 10^15, ये अल्ट्रावायलेट. तो ये लाइट से ज्यादा पावरफुल होती है. लाइट से ज्यादा पावरफुल होने से क्या होगा? अगर हम अल्ट्रावायलेट को ऐसे एक्सपोज करेंगे तो हमारी स्किन धीरे धीरे पकने लगेगी. जैसे पकना मतलब रोटी का पकना, तो उसको हम क्या कहते हैं? टैनिंग. तो वेस्टर्न कंट्रीज में जहां धूप बहुत कम निकलती है वहां स्किन की टैनिंग अच्छे से नहीं होती, तो स्किन इतनी गोरी होती है और बहुत सॉफ्ट होती है. तो थोड़ा हार्ड करने के लिए, थोड़ा टैन करने के लिए, थोड़ा सांवला बनने के लिए लोग धूप में जाके लेटते, तब जाके थोड़े से सांवले हो पाते हैं और स्किन में थोड़ी स्ट्रेंथ आती है. ओके, दैट इज नोन एज टैनिंग, थोड़ा ब्राउनिश हो जाना. उसके लिए सॉफ्ट टाइप की अल्ट्रावायलेट रेज यूज होती हैं, बट सॉफ्ट वन. अगर हार्ड, अब सन से जो रेज आती हैं उसमें सॉफ्ट भी होती हैं हार्ड भी होती है. तो वो जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होंगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली इसके आसपास, वो वाली इतनी ज्यादा होती कि हमारी स्किन में रैशेज आ जाते, लाल कलर के रैशेज. हम बोलते स्किन जल गई वहां से अल्ट्रावायलेट के कारण. तो उसके लिए लोग अल्ट्रावायलेट लोशन लगाते हैं, टैनिंग लोशन जिसको कहते हैं, वो अल्ट्रावायलेट से सेव करता है. तो अल्ट्रावायलेट ज्यादा फ्रीक्वेंसी की अगर आती है तो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है एंड वी आर सपोज टू हैव सेफ्टी फ्रॉम इट. और अल्ट्रावायलेट के लिए नेचर में हमारा एक सेफ्टी मेम्ब्रेन बनाया हुआ है, दैट मेम्ब्रेन इज मेड बाय ओजोन. ओजोन क्या करता है? अल्ट्रावायलेट को सॉफ्ट वाले को अलाउ करता है और हार्ड अल्ट्रावायलेट को ब्लॉक कर देता है, रोक लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. सो वी गेट द बेनिफिशियल वन अल्ट्रावायलेट. ये जो अल्ट्रावायलेट जब नीचे आती है तो जहां जहां पानी का कलेक्शन होता है, तालाब हैं, नदी नाले हैं या हमारे टैंक हैं, उसमें आती है तो उसमें बैक्टीरिया किल हो जाते हैं और पानी साफ हो जाता है, धूप में रखा हुआ पानी. तो आप जब भी यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में देखेंगे हम खुला पानी करके रखते हैं ताकि वो अल्ट्रावायलेट आए. लेकिन अगर उसके साथ में हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट आ गई तो जिस पर पड़ेगी उसको डैमेज कर देगी, ह्यूमन बॉडी को डैमेज कर देगी और जो हमारे यूजफुल बैक्टीरिया हैं उनको भी किल कर देगी. सो वी डोंट वॉन्ट इट टू कम. लेकिन वो कब आ जाएगी? जहां पर ओजोन लेयर पंक्चर होगी. That is why we want that ozone layer should not puncture. Otherwise, harmful ultraviolet will enter. That is ultraviolet. And अब ultraviolet अच्छी होती है कि बुरी होती है? आप देख रहे हैं combination. ये soft वाली होती है जो पानी के bacteria को kill करती है. We need it. जो हमारे skin को soft और strong, sorry, tan करती है और strong करती है, सांवला बनाती है. We need it. This we don't need, क्योंकि ये हमको पंचर करेगी, यूजफुल बैक्टीरिया को किल करेगी और हमारी स्किन को भी जला देगी. सो वी वॉन्ट टू हैव सेफ गार्ड फ्रॉम इट. एंड वट इज द अरेंजमेंट ऑफ नेचर? ओजोन लेयर इज द अरेंजमेंट ऑफ नेचर. तो ये होती है. ओके, फिल्म कैन डिटेक्ट इट. सन टैनिंग काम में आती है एंड इट किल बैक्टीरियाज. और इसका जो एकदम सॉफ्ट रीजन है दैट वी यूज एज ए ब्लूटूथ. इसके डेंजरस क्या है? अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आएगी तो इट विल गिव ए स्किन कैंसर. ठीक है, अब जिन लोगों को रोज खुले में जाना ही पड़ता है किसी ना किसी चीज में, सन रेज पड़ती रहेंगी, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रावायलेट है तो उनको स्किन कैंसर हो जाता है उससे. So these are the dangers of it. Then we come to most useful thing, that is visible light. Visible light का range बहुत छोटा है. ये visible light, this is 4-8. Okay. इसकी frequency 10^14 होती है. और
वेवलेंथ 10 टू द पावर माइनस 7. अगर हम इसको माइनस 9 करेंगे तो यहां दो जीरो और लग जाएंगे, यानी 400 से लेके 800 नैनोमीटर ये वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की, 400 टू 800 नैनोमीटर 10 टू द पावर माइनस 9. और ये जो कम वेवलेंथ है दिस इज वायलेट, और ये जो ज्यादा वेवलेंथ है दिस इज सॉरी उल्टा हो गया, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ छोटी होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ छोटी, ये दिस इज वायलेट करेक्ट, इसकी फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ ज्यादा दिस इज रेड, दिस इज वायलेट. और 550 हमारी आंख को सबसे ज्यादा दिखती है, वेरी सेंसिटिव दैट 550 इज येलो. ठीक है, तो ये दोनों में हमारी आंख की सेंसिटिविटी कम होती है बिकॉज दे आर बॉर्डर कलर्स, और मेन कलर कौन सा होता है येलो, उसके लिए हमारी विजिबिलिटी सबसे ज्यादा होती. सो दिस 400 टू 800 नैनोमीटर दिस इज वेवलेंथ एंड दिस फ्रीक्वेंसी, दिस इज द रेंज ऑफ विजिबल लाइट. अब आप देखिए पावर तक ऑर्डर तक चेंज नहीं हुआ, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल रेंज ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी रेंज. टोटल फ्रीक्वेंसी रेंज 10 टू द पावर 20 से लेके 10 टू द पावर 1 तक जाता है. इतने बड़े फ्रीक्वेंसी रेंज में विजिबल लाइट एक ही फ्रीक्वेंसी रेंज में आ जाती है 10 टू द पावर 14. ओके, तो लाइट किससे पैदा होती है, एक्साइटेशन ऑफ एटम से पैदा होती है, आग जलाते हैं उसकी फ्लेम से पैदा होती है, स्पार्क से पैदा होती है, ये हमारे लाइट के सोर्स है. लाइट डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में आईज से हम लाइट को डिटेक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहते हैं LDR लाइट डिटेक्टिंग डायोड्स, उससे हम लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ये हमारे लाइट के डिटेक्टर्स होते हैं. क्या काम आती है लाइट, देखने के काम आती है और फोटोग्राफी के काम आती है. इसी तरह से अगर लाइट ज्यादा हो जाए तो उसे ब्लाइंडनेस आ जाती है, दैट इज इट्स डेंजर. ओके, सो दिस इज अबाउट लाइट, और लाइट के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं. नेक्स्ट कम्स टू इंफ्रारेड. लाइट से कम फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड की होती है. अब आईज जो है, आईज कैन डिटेक्ट लाइट, आईज कैन नॉट डिटेक्ट अल्ट्रावायलेट, आईज कैन नॉट डिटेक्ट इंफ्रारेड, लेकिन इन दोनों की पावर करीब करीब इसके बराबर होती है, इससे मिलती जुलती है. तो इंफ्रारेड जो है दैट इज 10 टू द पावर 13, ये 300 नैनो सॉरी 3000 आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 9 करेंगे. ओके, तो ये इसकी वेवलेंथ इससे लंबी होती है, फ्रीक्वेंसी इससे कम होती है लाइट से. ये भी एक्साइटेशन ऑफ एटम से बनती है. इसका हम यूज क्या करते हैं, इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो इसके भी डायोड से हम इसको डिटेक्ट करते हैं, लाइट डिटेक्टिंग डायोड से, LDR सर्किट, दोज आर इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स. ये डिटेक्टर हमारे टीवी के अंदर लगे हुए होते हैं, और टीवी के बाहर हम क्या यूज करते हैं, रिमोट कंट्रोल, दैट इज इट्स एप्लीकेशन. तो इसका यूज क्या है, रिमोट कंट्रोल से जो वेव्स जाती हैं दोज आर इंफ्रारेड. क्यों, क्योंकि हमको दिखती नहीं, अदरवाइज अगर हमको लाइट चमकते चमकते दिखते रहेगी दैट विल बी वेरी डिस्टर्बिंग थिंग, तो हम उसको देखना नहीं चाहते, सिर्फ सिग्नल भेजना चाहते हैं, सो वी यूज इंफ्रारेड. और अभी हम उसमें अल्ट्रावायलेट भी यूज कर लेते हैं चाहे तो, क्योंकि वो भी आंख में नहीं दिखती. तो इंफ्रारेड इज मोस्टली यूज फॉर रिमोट कंट्रोल, क्योंकि ये बॉडी के लिए हार्मफुल भी नहीं है और आंख को दिखती भी नहीं है, डिस्टर्ब भी नहीं करती. सो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर रिमोट कंट्रोल. मैजिका इज अगेन अनदर नेम ऑफ रिमोट कंट्रोल. जहां जहां हमको इसके हमने बहुत सारे यूजेस पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी स्टडिंग डायोड्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. इंफ्रारेड से चीजें जल सकती हैं अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर देंगे. दिस इज इंफ्रारेड. इंफ्रारेड के लैंप भी आते हैं. ओके, उस लैंप से
बर्निंग यानी हीटिंग सेंसेशन होता है, तो सेक करने के लिए, जॉइंट को हीट करने के लिए, उसके लिए इंफ्रारेड लैंप्स यूज करते हैं। उसके बाद उससे कम फ्रीक्वेंसी होती है हीट वेव्स की। हमको लगता है हीट ज्यादा इंटेंस होती है, पर याद रखिए हीट की फ्रीक्वेंसी लाइट से कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, लेकिन उसका इफेक्ट ऐसा होता है कि आंखें उसको देख नहीं सकती पर स्किन उसको डिटेक्ट कर सकती है। तो हीट की फ्रीक्वेंसी 10^9, ये उसकी वेवलेंथ होती है, 10^-1 मीन्स हाउ मच, 10 सेंटीमीटर। तो हीट की वेव्स कितनी लंबी होती हैं? 10 सेंटीमीटर, इतनी लंबी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, ये किससे पैदा होती है, सोर्स क्या है इसका? हॉट बॉडीज जिसके अंदर एटम्स वाइब्रेट होते रहते हैं, द बॉडी गेट्स हीटेड अप। ओके, उससे ये वेव्स निकलती हैं। इसको हम डिटेक्ट किससे करते हैं? स्किन से। ऐसा हाथ रखते हैं, पता लग जाता है इधर से हीट वेव्स आ रही हैं। लाइट वेव्स का पता नहीं लगता स्किन को, लाइट वेव का किसको पता लगता है? रेटिना को। और हम इसको किससे डिटेक्ट कर सकते हैं? थर्मामीटर एब्जॉर्बर से, उससे पता लग जाएगा। ओके, इसको हम यूज किस लिए करते हैं? कुकिंग के लिए यूज करेंगे और इंडस्ट्री में यूज करते हैं, मेटलर्जी में गर्म करके मेटल बनाते हैं, पिघलाते हैं, और कुकिंग के लिए तो हीट का तो सबसे ज्यादा यूज है। और हीट ज्यादा होने से क्या नुकसान है? बर्निंग, यू नो दैट। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं माइक्रोवेव, इससे कम फ्रीक्वेंसी 8। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी 8 से लेके 11 तक हीट से ज्यादा भी होती है और हीट से कम भी होती है। माइक्रोवेव ओवन में हम माइक्रोवेव्स यूज करते हैं। माइक्रोवेव की स्पेशलिटी ये होती है, एट दिस हाई फ्रीक्वेंसी देयर वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल। इतनी कम वेवलेंथ में वो ज्यादा फैल नहीं सकती, फैलती नहीं है, ऐसे पैरेलल चलती, कई किलोमीटर तक ऐसे जाएंगी और फिर ऐसे वापस आएंगी, पूरी इंटेंसिटी लेके वापस आएंगी, बिखरती नहीं है। ये जो उनकी स्पेशलिटी है, दिस स्पेशलिटी इज यूज फॉर मेकिंग विद देम दैट कंट्रोल्स ऑफ एरोप्लेन्स, व्हाट वी यूज इन दैट रडार। रडार याद है? ओके, दैट इज, व्हाट इज दैट? रडार, दैट इज रेडियो डिटेक्शन। तो उसमें हम माइक्रोवेव को भेजते हैं और वो एरोप्लेन को डिटेक्ट करता है और उसका नेविगेशन करने में हम उसकी हेल्प करते हैं। तो दैट रेडियो डिटेक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव। एंड व्हाट वाज द पर्पस फॉर दैट? व्हाई माइक्रोवेव्स आर ओनली यूज्ड एंड नॉट रेडियो वेव्स? बिकॉज दे स्प्रेड लेस, उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, एक लाइन से जाती हैं और वैसी की वैसी वापस आ जाती। लाइट जाती है तो क्या करेगी? ऐसे जाएगी और फैल जाएगी, तो वापस आएगी, इतनी डाइल्यूट हो जाएगी कि हमको पता भी नहीं चलेगा। दैट इज व्हाई वी यूज माइक्रोवेव फॉर रेडियो डिटेक्शन, रडार्स। तो माइक्रोवेव किससे पैदा करते हैं? ऑसिलेटिंग करंट इन वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब आपके यहाँ जो माइक्रोवेव ओवन है उसके अंदर लगी हुई है एक वैक्यूम ट्यूब, उसमें करंट जाती है तो उससे माइक्रोवेव पैदा होती है। तो माइक्रोवेव के डिटेक्शन हम किससे करते हैं? एंटीना, एंटीना में वाइब्रेशन होता है, करंट बनती है, उससे पता लग जाता है कि यहाँ माइक्रोवेव प्रेजेंट है। और LCR सर्किट, LCR रिसीविंग सर्किट, उससे हम पता कर लेते हैं LCR सीरीज सर्किट से। इसके एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन में एप्लीकेशन होगा, माइक्रोवेव डिस्पैच करेंगे एक जगह से एंटीना लगा के और इधर रिसीविंग एंटीना लगा के रिसीव करेंगे। क्योंकि वो ऐसे फैलती नहीं है इसीलिए पूरी पावर में ऐसे जाती है और सामने एंटीना में रिसीव हो जाती, ठीक है, ये डिस्पर्स नहीं होती, ऐसे स्ट्रेट जाती। तो ये जो इसका कोहेरेंस होता है, कोहेरेंट, दिस कोहेरेंस इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट कैन गो टू ए लॉन्ग डिस्टेंस
without losing energy. And that is why we send signal through microwaves. तो हमारा हमारी कंट्री में इंडिया में माइक्रोवेव और माइक्रोवेव टॉवर्स इसका पूरा एक नेटवर्क बना हुआ, एक से दूसरा टॉवर, दूसरे से तीसरा टॉवर, इससे चौथा टॉवर, ऐसे सब टॉवर पूरी कंट्री के आपस में कनेक्ट है. दैट इज वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम वी हैव. दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग कम्युनिकेशन में स्टडी करेंगे, दैट इज थ्रू द सैटेलाइट्स. Another is with the wires, which is going very poor. Mostly we use it either with microwaves or with satellite nowadays. Okay, so microwaves are used for communication. That is one. Radar, that is another. And third is for heating. Pani ke jo molecules hote hain, those are vibrated by microwaves. माइक्रोवेव के साइज से, और वो उसको जब वाइब्रेट करते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं. दैट इज हाउ माइक्रोवेव हीट अवर फूड. सो हीटिंग द फूड इज वन यूज, रडार इज वन यूज, कम्युनिकेशन टेलीफोनी दैट इज अनदर यूज, दैट इज सेंडिंग द डाटा थ्रू माइक्रोवेव. ओके, ये इसके यूज हैं. एंड इफ दिस इज कंसंट्रेटेड दिस कैन ऑल्सो बर्न because they have energy. Then we have radio waves. Radio waves ki frequency ye 10,000 se leke 10 crore tak hoti hai, 10 to the power 9 tak. Aur iske basis par humne ek pura spectrum banaya hua hai, usko hum communication mein study karenge. That is AM waves, FM waves, there are different nomenclature of the frequencies. Okay, that we will study in that chapter only. Short waves, FM band, TV band, mobile, in all these we are using different frequencies of the radio waves. Mobile ke liye ye frequency use karenge, uske niche radio ke liye, TV ke liye, उसके नीचे कम्युनिकेशंस के लिए, और ये वाले अपने लोकल ट्रांसमीटर्स के लिए. इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अलग अलग एप्लीकेशंस बनाकर रखे हुए, और ये सब के सब क्या कहलाते हैं, रेडियो वेव्स. और इनको हम बनाते कैसे हैं, ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट से. तो ये ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट से हम वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर करके रेडियो वेव्स बना सकते हैं, पर इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं कर सकते कि वो हीट बन जाए या लाइट बन जाए. हीट और लाइट के लिए हमको नेचुरल सोर्स ही लेने पड़ते हैं. होते वाइब्रेशन से है हीट भी और लाइट भी, लेकिन सोर्स नेचुरल चाहिए. माचिस जलाएंगे आप, उससे हीट पैदा होगी. एलसी सर्किट लगा के हीट पैदा करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट कि उतनी हीट पैदा हो जाए. ठीक है, वो वाली हीट वेव्स हम नहीं बना पाते हैं. सो हम वी कैन मेक रेडियो वेव्स अप टू माइक्रोवेव्स. ओके, लाइट वेव्स वी कैन नॉट मेक विद एलसी सर्किट्स. सो दीज आर द रेडियो वेव्स. इसको फिर से हम कम्युनिकेशन में लेंगे, अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ रहे हैं इसको. बस ये बेसिक रेंज होता है. एक छोटा सा और है, इलेक्ट्रॉन वेव्स. जब अल्टरनेटिंग करेंट जाती है तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं किस फ्रीक्वेंसी से, हमको मालूम है. इंडिया में फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 per second, और अमेरिका में क्या है, 60 per second. तो जब ये वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है, तो उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं. दोज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन वेव्स. तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी वही रहती है, आइदर 50 or 60, और इसको वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट दी वेवलेंथ. इसका सोर्स क्या है, एसी सर्किट्स. जहाँ एसी सर्किट होगा ये सोर्स होगा, पर इसकी पावर इतनी कम होती है, वी डोंट यूज इट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस. ठीक है, सो दिस इज द टोटल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो ये रेंज आपको याद करना है. दो बार चार बार आप पढ़ेंगे, आपको इसका सीरियल याद हो जाएगा कि कम फ्रीक्वेंसी के. और जनरली हमको क्या याद रखना है, लो फ्रीक्वेंसी लेस पावर, मोर फ्रीक्वेंसी हायर पावर, पेनिट्रेशन पावर इज हाईएस्ट. ठीक है, इस तरह से. और लाइट का रेंज
पूरा याद रखिए, 350 टू 800 नैनोमीटर्स डिफरेंट कलर्स, ओके। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेंज है, एंड विद दिस वी फिनिश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक वेव जो लाइट वेव है, दैट वी विल स्टडी नाउ इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लाइट, ठीक है। तो लाइट अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, दो इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पर उसकी अलग से कैटेगरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट वी ऑल स्टडी इन द चैप्टर ऑफ लाइट। और ये एक चीज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, वट एवर बिहेवियर लाइट इज शोइंग, वट एवर कैरेक्टरिस्टिक लाइट इज शोइंग, द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी शोन बाय अदर वेव्स ऑल्सो, क्योंकि बेसिकली सबका कैरेक्टर एक ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई छोटी लेंथ की है और कोई बड़ी लेंथ की, ठीक है। तो इसीलिए जितनी चीजें हमको उसमें दिखेंगी, जैसे पोलराइजेशन, अगर लाइट में पोलराइजेशन होता है तो रेडियो वेव्स में भी होगा, एक्सरेज में भी होगा, बिकॉज ऑल आर बेसिकली सेम, ठीक है। सो बिफोर वी क्लोज दिस, देयर आर सर्टेन न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल्स किस बेसिस पर होते हैं, तो देखिए किस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे एनर्जी पर और इक्वेशंस पर, जैसे ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एट ए टाइम, E is equal to 6.3 unit vector J volt per meter. What is B at this time? Okay, ये एक electromagnetic wave है जिसमें हमको क्या दिया गया है, frequency, frequency या omega, this we know, electric field we know, and B, this we have to find out. So we must know the relation between E and B. ये relation कोई आपको याद है? E और B का relation? So answer is yes. We know that there is one relation which is says that C is equal to E into B. तो B किसके बराबर हुआ? C, no, no. सॉरी ये उल्टा हो गया, दिस इज नॉट ई इंटू बी, दैट इज एनर्जी ई इंटू बी, द रिलेशन इज ई इज स्ट्रॉन्गर देन बी बाय सी टाइम्स, ई बी से कितना स्ट्रांग होता है, सी टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो E is equal to, B is equal to how much? Yes, B is equal to E upon C. E यहां पर कितना है? 6.3, और C कितना होता है? 3 into 10 to the power 8. तो ये फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, एंड दैट इज 2.1 into 10 to the power minus 8. इसको डिवाइड किया सिंपली 2.1 10 to the power minus 8. अब SI सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो SI सिस्टम में जो B निकलता है उसका यूनिट क्या होगा? टेस्ला। अब अगली चीज एक और देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मूव कर रही है उसका E किस डायरेक्शन में है? जे। तो बी किस डायरेक्शन में होगा? देखिए आई डायरेक्शन में वेव जा रही है, जे में कौन है? ई। तो बी किस में होगा? के में। इसलिए यहां हमें क्या लगाना चाहिए? के। ये आंसर आया, तरीका समझ आ गया?
Okay. The magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by BY. BY is equal to 2 into 10 to the power minus 7 sine 0.5 into 10 to the power 3 x plus 1.5 into 10 to the power 11 t This T is for Tesla. What is the wavelength and frequency of the wave? What is wavelength and frequency of wave? Write an expression for electric field. ये दो चीजें. Okay, what is wavelength and frequency? क्या आपको E और B इसका standard formula याद है? तो answer है yes. Standard formula E हो या B हो, क्या होता है? B naught sine kx minus omega t. ये standard formula. इसमें k क्या है? Constant, that is what? 2 pi upon lambda. ये क्या चीज है? 2 pi into frequency. अब ये standard equation है, ये given equation है, दोनों को compare करिए. तो B naught कितना है? 2 into 10 to the power minus 7 Tesla. ये B naught की वैल्यू. अब इन्होंने क्या निकालने बोला है? व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ कहां छिपी होती है? यहां पर. यहां बताइए K कितना है. वेरी गुड. तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 पाई अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3. ये आ गया किसकी वैल्यू? 2 pi upon lambda जो x के साथ multiplied है. x के साथ multiplied. अब इसमें आप lambda निकाल लो. तो lambda कितना आया? Lambda is equal to 0.5 into 10 to the power 3 upon 2 pi meter. ये lambda आ गया, जो भी इसकी value आएगी. तरीका समझ आ गया आपको? अब सॉरी उल्टा हो गया. लैम्डा इधर जाएगा और ये इधर नीचे आएगा. सो दिस इज 2 पाई अपॉन 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3. ये दिस इज मीटर. ये आ जाएगा, ठीक है? उसको गुणा भाग करके जो भी आएगा 10 टू द पावर माइनस 2 समथिंग. ओके, अब दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? कहां से फ्रीक्वेंसी कहां छिपी होती है? ये जो टी के साथ मल्टीप्लाइड है, स्मॉल टी के साथ. स्मॉल टी के साथ कौन मल्टीप्लाइड है? ये. एंड दैट इज व्हाट? 2 पाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11. तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1.5 10 टू द पावर 11 अपॉन 2 पाई. ये फ्रीक्वेंसी है. इसको सॉल्व करेंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. अगर हमसे ये कहा जाएगा वेलोसिटी निकालिए, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ओमेगा अपॉन के कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगी. ठीक है, वो तो इन्होंने पूछा नहीं है, क्योंकि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 आती है, अनलेस इट इज गोइंग थ्रू सर्टेन मीडियम, तब बदल जाएगी. ओके, ये आ गया. नाउ व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड?
एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. अब अगर हम ये एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखें, विच आर द क्वांटिटीज विच विल चेंज एंड विच आर द क्वांटिटी विच विल नॉट चेंज, तो जो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे मैग्नेटिक फील्ड चलते हैं उनका क्या सेम रहता है? आंसर है वेवलेंथ सेम, फ्रीक्वेंसी सेम. इसका मतलब ये सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा, दोनों का फेज सेम, ये पूरा ब्रैकेट सेम सेम. तो फिर चेंज किस में आएगा? ये किसकी वैल्यू है यहां पर? बी नॉट की. उसमें किसकी वैल्यू आएगी? ई नॉट की. तो ई नॉट किसके बराबर होता है? अभी अभी आपने किया, ई इज इक्वल टू बी इंटू सी. तो यहां पर जो बी नॉट की वैल्यू है वो हमने ली 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8. ये हमने यहां से ले ली. ये बी की वैल्यू थी, बी नॉट, ये बी नॉट. तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ई नॉट की. जब ये ई नॉट की वैल्यू आ गई, 2 3 6 इंटू 10, ये किसकी वैल्यू आ गई? ई नॉट की, दैट इज 60. ठीक है, 60. अब हमको ई नॉट की वैल्यू मिल गई एंड वी कैन राइट द इक्वेशन. इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ई इज इक्वल टू ई नॉट 60 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और के एक्स माइनस ओमेगा टी वही रहेगा जो हमने यहां पर लिखा है, साइन के एक्स ओमेगा टी. इसको बिल्कुल एज इट इज यहां पर भी लिख देंगे. दिस इज साइन 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 एक्स प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 टी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टेस्ला नहीं आएगा, इसका यूनिट क्या आएगा? वोल्ट मीटर. देखिए यहां पर क्या लिखा है? टेस्ला. इस टेस्ला को हमने क्या किया? वोल्ट मीटर. यहां पर बी किस डायरेक्शन में है? वाई. अगर वेव एक्स डायरेक्शन में चल रही है और वाई डायरेक्शन में बी है तो ई किस डायरेक्शन में होगा? जेड डायरेक्शन. एक एक्स डायरेक्शन में वेव है, वेव की वेलोसिटी, तो ये दोनों किस डायरेक्शन में होंगे? वाई और जेड में. तो अगर ये दिया है कि बी वाई डायरेक्शन में है तो ई कंपल्सरली किस डायरेक्शन में होगा? जेड डायरेक्शन में होगा. सो दिस वी कैन राइट एज जेड. अब ये ठीक हो गया, समझ में आ गया, इस तरह से बना. एक चीज हमसे और पूछी जा सकती थी, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ द वेव? तो यहां हम देखते हैं दिस इज प्लस. अगर ये प्लस होता है तो हमने पढ़ा है वेव इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स. अगर एक्स इधर है तो वेव इधर जा रही है, और अगर इधर ही जा रही है तो यहां पर क्या होना चाहिए था? माइनस. ठीक है, वो हमने वेव की कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था. सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस. तो इक्वेशन वाले न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ये ई और बी के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, और तीसरे एनर्जी के आ सकते हैं. हाफ ई स्क्वायर अपॉन सी प्लस हाफ बी स्क्वायर अपॉन सी इज द एनर्जी. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दिया है तो हम लोग उसकी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, ओके. सो वी विल क्लोज इट टुडे. दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट लाइट. ठीक है, विद रे ऑप्टिक्स. थैंक यू.